ही कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे ये बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वो कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसे जिंदा रहने का क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वो अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी उस भीड़ में जाकर बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे, दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। सवल भी गुरु की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? सवल ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। सवल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ वह झूठा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझता। जब माँ बाप ही नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सवल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घरवाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सवल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घरवाले भी उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस नगर के इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा, स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात सवल के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब अब जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। उसने डराया, धमकाया, जैसा जैसा उसका मित्र कहते गए वही करता गया। वह इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह किसी उधेर बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सवल अपनी बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। मैं अब बहुत ही दुखी हूँ। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से सवल ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे, तुमने उस दुख से क्या सीखा? सवल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता, अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें आए, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, तब भी ये मानकर चलो कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं अवश्य सफल हूँ। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को सम्मान देते हैं,
फिर चाहे कोई कितना अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में बोझ ही होता है। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। संवलने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दफना दो। सवल ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से लथ चुका था। लेकिन वह निश्चित था क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वो सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। उधार वापस न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसके गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा। ये संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंतर तक टूट गया। उसे लगने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुखड़ा उन्हें सुनाया। आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उनका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है क्या वो दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, इस दुख से क्या सीख मिला? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं वो हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। पर जिसके पास होते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद सबल आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसे सबल को दे दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने गुरु को धन्यवाद दिया और प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर खुश था। अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वो फिर अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया, उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया। वहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने के लिए उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, सब कुछ यही रह गया था। एक दिन पहले किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के भंवर में फंसा हुआ था।
उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। इसलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? तो सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने मेरे मन को बेचैन कर दिया है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है ना कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मैं भी मर जाऊंगा पर मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, इसी भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बुढ़ापा दूसरों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी उम्र से कोई संबंध नहीं, ये तो सबको अपना ग्रास बना लेती है। गुरु की ये बातें सबल के मन में घर कर गई। वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था, अब भी अशांत था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहा कि वह इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीजों को उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही वो दुख है जो दुख कहलाने के लायक है, कि हमें पता नहीं कि हम कौन है, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सवल ने कहा, गुरुदेव मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? सवल ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन संपत्ति मान सम्मान परिवार मित्र शत्रु पद प्रतिष्ठा यही इकट्ठा करते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा हुई सभी चीजों से एक भी चीज साथ ले जाया जा सकता है? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं ले जाया जाता। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब कुछ यही छूट गया है, परिवार संपत्ति सब कुछ। तो गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना है वो हम इकट्ठा करते नहीं। चीजें जो हमारे सामने होती है लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वो हम खुद है। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों और वासनाओं से हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतना भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते हैं, उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं, वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिलता ही नहीं। इसलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपने ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ, पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरते हुए मत चलो। सवल ने कहा, क्या गुरुदेव हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए, अपने सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरुदेव ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ खोने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती है। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वो जो भी करता है उसके नियंत्रण में करता है, तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती है। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। उसके बाद
आपका बहुत धन्यवाद। मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर ये बेकार के कामों में पटकर रह गई है, व्यर्थ के चीजों में लगी रहती है। यह ऐसा है कि जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो और बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इस शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।